Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई एक्शन साइफाई मूवी बम्बलबी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको Amazon Prime Videos पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक प्लैनेट साइबरट्रॉन के नाम से दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑटोबॉट्स नाम के रोबोट्स रहते हैं और उनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है ऑप्टिमस प्राइम। और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वहाँ लड़ाई हो रही होती है उनके बीच में, और साथ ही साथ उनके अगेंस्ट जो लड़ाई कर रहे होते हैं उनका नाम होता है डिसेप्टिकॉन्स। और यहाँ पे वो लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने प्लैनेट को छोड़ के जाने के लिए। जब वो लोग वहाँ से अपने आप को निकाल के इवैकुएट कर रहे होते हैं प्लैनेट को अपने, तो यहाँ पे डिसेप्टिकॉन आके उनका जो इवैकुएशन होता है उसको साबोटाज कर देते हैं। और ऑप्टिमस यहाँ पे ऑटोबॉट स्काउट जो होता है B-127 उसको अर्थ पे भेज देता है एक एस्केप पॉड के थ्रू, जिससे कि वो यहाँ अर्थ पे आके एक ऑपरेशन के लिए एक बेस को फॉर्म कर सके। और खुद वो पीछे रह जाता है जिससे कि वो अपने प्लैनेट और बचे हुए लोगों को डिसेप्टिकॉन के अगेंस्ट डिफेंड कर सके। हमें यहाँ आगे मालूम चलता है कि B-127 अर्थ पे पहुंच गया है और क्रैश लैंड करता है वो कैलिफोर्निया में, जहाँ पे एक सेक्टर 7 का ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहा होता है। सेक्टर 7 बेसिकली होता है एक ऐसा ग्रुप मिलिट्री का जो सीक्रेट होता है गवर्नमेंट का, और उनका यहाँ सेक्टर 7 का बेसिकली टास्क होता है मॉनिटर करने का एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल एक्टिविटी जो अर्थ पे हो रहे होते हैं उनको। हमें यहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कर्नल जैक बर्न्स। उसका लगता है कि B-127 जो है वो हॉस्टाइल है, तो वो अपने लोगों को उस पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। वहां से भागने के लिए B-127 पास के ही एक आर्मी जीप को स्कैन करता है और अपने आप को उसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, और पास में ही एक माइन शाफ्ट होता है, वहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए ले जाता है। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि वहाँ पे डिसेप्टिकॉन जो है ब्लिट्ज़विंग नाम का, वो आके उसको एम्बुश करने लगता है। उसके बाद वो उसको यहाँ पकड़ लेता है, क्लिफ से एक लटका रहा होता है उसको, और उसको बार बार फोर्स कर रहा होता है कि वो ऑप्टिमस की जो वेयर अबाउट्स है उसके बारे में उसको बता दे, मगर B-27 ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और गुस्से में आके ब्लिट्ज़विंग जो होता है उसका जो वॉइस बॉक्स होता है B-127 का, उसको बाहर खींच के टेयर अप कर देता है, और साथ ही साथ उसका जो मेमोरी कोर होता है उसको भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से B-127 ना चाहते हुए भी डिसेप्टिकॉन के एक मिसाइल का इस्तेमाल करके उसको खुद ही मार डालता है। जिसके बाद अपने आप को वो वापस से एक गाड़ी में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, तो पास में ही उसको दिखाई देता है एक 1967 का येलो कलर का वॉक्सवैगन बीटल। उसमें वो खुद को स्कैन करके चेंज कर देता है, और तुरंत ही हम देख पाते हैं कि जितनी उसको चोटें आई होती हैं उसकी वजह से वो कोलैप्स कर जाता है। जिसके बाद हमें साल दिखाया जाता है 1987 का। हम एक यहाँ लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है चार्ली वॉटसन, और वो यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी होती है उसके फादर के डेथ को लेके, और अपनी माँ के तरफ उसका काफी ज्यादा रिसेंटफुल एटीट्यूड होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ ने बहुत जल्दी मूव ऑन करके एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पास के ही एक स्क्रैप यार्ड होता है, वहाँ वो जाती है जहाँ वो एक दोस्त होता है उसका हैंक नाम का, जो स्क्रैप यार्ड का ओनर होता है। वहाँ पे वो उसको मिलता है B-127 एक बीटल के फॉर्म में, और वो उस गाड़ी को एज हर 18 बर्थडे गिफ्ट उसको वो दे देता है। जिसके बाद जब वो उसको ठीक करना चाहती है, तो जब वो बीटल को स्टार्ट करती है तो ना चाहते हुए भी उसको नहीं मालूम होता वो एक्टिवेट कर देती है एक सिग्नल को, जो यहाँ डिसेप्टिकॉन्स जो होते हैं शैटर और ड्रॉप किक, वो इस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब वो इंटरोगेट कर रहे होते हैं क्लिफ जंपर को सैटर्न के एक मून पे, तब उनको ये बेसिकली सिग्नल मिलता है जिसको वो लोग इंटरसेप्ट कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो दोनों अर्थ की तरफ निकल जाते हैं, और वहाँ पे जो और गाड़ियाँ होती हैं उनके शेप में वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, और उनकी मुलाकात यहाँ होती है वापस से सेक्टर 7 से। उनको वो दिखाते हैं कि जैसे कि वो लोग पीस कीपर्स हैं और वो लोग वहाँ लड़ाई करने के लिए नहीं आए हैं, और उस एजेंसी को वो लोग यहाँ मनाने लग जाते हैं कि वो जो एजेंसी है सेक्टर 7 वाली वो उनकी मदद करे पीस कीपिंग में, और खासकर उनकी मदद करी जाए जिससे कि वो B-127 को पकड़ सके। और यहाँ पे जब वो लोग ये कर रहे होते हैं तो हम बर्न्स को देख पाते हैं कि उसका इस चीज को लेके ऑब्जेक्शंस हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि किसी तरह से चार्ली यहाँ कोशिश कर रही होती है बीटल को ठीक करने का, तो वो अपने आप ट्रांसफॉर्म कर जाता है B-127 में, जिससे वो आगे चल के दोस्ती भी करती है, और उसका नाम वो देती है बम्बलबी। और यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी उसको मालूम नहीं होता, मगर ऑप्टिमस के द्वारा दिया हुआ बम्बलबी को जो मैसेज होता है उसको भी वो अनलॉक कर देती है। और यहाँ पे मैसेज में ऑप्टिमस ने बोला होता है बम्बलबी को
कि उसको कुछ भी करके अर्थ को डिफेंड करना है, और ऐसा सुनने के बाद उसकी कुछ कुछ जो मेमोरीज हैं वो देख के लग रहा है कि रिस्टोर हो रही हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो चार्ली का एक नेबर होता है, एक लड़का जिसका नाम होता है मेमो, वो यहाँ अग्री कर जाता है कि उनका ये जो बम्बलबी वाला सीक्रेट है उसको वो रखने वाला है। और साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि अब वॉइस बॉक्स तो नहीं है बम्बलबी के पास, मगर गाड़ी का जो रेडियो है उसका इस्तेमाल करके वो कम्युनिकेट करना सीख रहा है। जिसके बाद हमें एक दिन का दिखाया जाता है कि बम्बलबी चार्ली के घर में अकेला है और अनइंटेंशनली उसका घर वो डिस्ट्रॉय कर देता है और एक एनर्जी स्पाइक कर देता है जो यहाँ सेक्टर 7 का जो अटेंशन है उसकी तरफ ले आता है। सैली यहाँ पे जो चार्ली की माँ होती है वो चार्ली पे ब्लेम कर रही होती है घर को डिस्ट्रॉय करने के पीछे, तो चार्ली को देख के लग रहा है कि उसको इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है और फाइनली जिस पेन से वो गो थ्रू कर रही होती है अपने फादर के डेथ को लेके, वो सारी चीज वो अपनी माँ को एक्सप्रेस कर देती है। जिसके बाद वो मेमो और बम्बलबी के साथ वहाँ से निकल जाती है, मगर जो सेक्टर 7 होता है वो उनको बीच में आके रोक देता है और उनके साथ हम देख पाते हैं कि डिसेप्टिकॉन्स भी हैं। बम्बलबी यहाँ पे पकड़ा जाता है और चार्ली और मेमो को वापस घर भेजा जाता है। आगे हम देख पाते हैं कि चार्ली ने अपने भाई ओटिस को यहाँ पे कन्विंस करा है कि वो उसके और मेमो के लिए कवर करने वाला है और वो लोग निकल जाते हैं बर्न्स को फॉलो करने के लिए, जो बेसिकली होता है सेक्टर 7 का आउटपोस्ट जहाँ पे बम्बलबी को पकड़ के रखा गया होता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि बम्बलबी को वहाँ पे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा है और शैटर और ड्रॉप किक जो है वो यहाँ पे एक्सीडेंटली एक्टिवेट कर देते हैं उस मैसेज को जो ऑप्टिमस ने यहाँ पे दिया हुआ होता है, और उनको यहाँ मालूम चलता है कि जो ऑटोबॉट्स है वो सारे अर्थ की तरफ आ रहे हैं। जिसके बाद ड्रॉप किक यहाँ पे बम्बलबी को मार डालता है, मगर यहाँ हम देख पाते हैं कि ऐसा होने से पहले किसी तरह से बम्बलबी मैनेज कर पाता है जो ट्रू इंटेंशंस हैं डिसेप्टिकॉन्स के वो दिखाने का बर्न्स को। चार्ली यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक देती है बम्बलबी को जिससे कि वो वापस से जिंदा हो जाता है, और ऐसा होने की वजह से उसकी जो मेमोरीज हैं वो भी वापस आ जाती हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे बर्न्स के जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसको फेंड करने के लिए निकल जाता है। हम यहाँ देख पाते हैं कि वो लोग किसी तरह से मिलिट्री को इवेट कर पा रहे हैं, जहाँ पे मेमो और उसके फैमिली सब मिलके यहाँ पे मदद कर रहे होते हैं और चार्ली और बम्बलबी का यहाँ पे डिसेप्टिकॉन्स के पीछे जो परस्यू होता है वो जारी रहता है। जो यहाँ बेसिकली रेडियो टावर जो होता है पास में ही हार्बर में उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने जो एलाइज होते हैं साइबरट्रॉन में उनको जाके कॉन्टेक्ट करने का। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि शैटर शूट करने लगता है बर्न्स के हेलीकॉप्टर में जब वो यहाँ पे बीच में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा होता है, और यहाँ पे बर्न्स को इसके पहले की फॉल की वजह से मर जाए वो बम्बलबी बीच में आके उसको बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बम्बलबी की यहाँ लड़ाई हो जाती है ड्रॉप किक के साथ और वो उसको यहाँ पे चेन्स के थ्रू बांध देता है और बांधने के बाद उसको रिप अपार्ट कर देता है। चार्ली यहाँ पे डिसेप्टिकॉन का जो बीकन होता है उसको डीएक्टिवेट भी कर देता है, मगर हम देखते हैं कि शैटर जो है वो उसके पीछे लग जाता है। बम्बलबी यहाँ पे जाता है खुद को बचाने के लिए पास में जो डैम होता है उसके वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है एक फ्लड जहाँ पे कार्गो शिप जो होती है वो शैटर पे आके हिट करती है और इसकी वजह से शैटर मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बम्बलबी और चार्ली जो आर्मी है उससे एस्केप करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देख पाते हैं कि वो लोग आते हैं एक ऐसे क्लिफ टॉप पे जो ओवरलुक कर रहा होता है गोल्डन गेट ब्रिज को, और यहाँ पे चार्ली रियलाइज करती है कि बम्बलबी का ग्रेटर पर्पस है लाइफ में, तो उसको वो ना जाते हुए भी गुड बाय बिड करती है। और बम्बलबी यहाँ पे पास में ही एक 1977 शेवले कैमेरो होता है उसका फॉर्म ले लेता है और ड्राइव ऑफ कर जाता है, और हम चार्ली को देख पाते हैं कि वो वापस अपनी फैमिली से रियूनाइट कर जाती है और मेमो भी वहाँ है। यहाँ पे हम ये भी देख पाते हैं कि बम्बलबी ऑप्टिमस के साथ सक्सेसफुली रियूनाइट कर गया है, और हमें मालूम चलता है कि वो साइबरट्रॉन से सक्सेसफुली एस्केप कर पाया था। बम्बलबी की यहाँ पे वो तारीफ करता है कि उसने अर्थ पे किसी तरह से मैनेज करा है अर्थ को सेफ रखने का, और साथ ही साथ वो देख पाते हैं कि और भी जितने एस्केप पॉड्स हैं वो सब अर्थ के सर्फेस में अंदर एंटर कर रहे हैं। तब तक हमें चार्ली का एंड में दिखाया जाता है कि उसने उसके और उसके फादर की जो मेमोरी की पुरानी गाड़ी थी जिसको वो लोग साथ में ठीक किया करते थे उसको उसने यहाँ पे रिपेयर करना फिनिश कर दिया है, और उस गाड़ी में बैठ के वो ड्राइव पे निकल गई है और मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।